नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आजकल हम इस बात को जानते हैं कि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उससे कई सारे लोग इफेक्ट हुए हैं और कई सारों की जान भी गई है, ज़िंदगी गंवानी पड़ी है। मगर दौर है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, हमें हम सबको ऐसे जीना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। मगर इस दौर में या जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं या किसी भी क्लास में, आजकल उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, एजुकेशन चलती रहे, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बोलबाला है। आजकल सारे टीचर कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा कदम है। मतलब बहुत एफर्ट कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि हो सकता है कुछ टीचर ऐसे हों मगर काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जिनको ऑनलाइन का कोई तजुर्बा नहीं था। इवन मैं अपनी बात करूँ तो शायद मुझे भी नहीं, ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का कैसे पढ़ाएंगे। इवन मैंने तो ये सुना भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लास में कौन से ऐप्स इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को शेयर करते हैं, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो जूम ऐप के बारे में तक नहीं पता था कि जूम ऐप नाम की कोई चीज़ होती है, और आज मेरी सुबह से शाम जूम पे गुजरती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव है, चेंज है। मगर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसको मैं पिछले 6-7 महीने से कंडक्ट कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब तो थोड़ा सा आदत पड़ गई है। राइटिंग पैड पे लिखना एक बड़ा इशू था मेरे लिए, ठीक है, और काफ़ी सारे टीचर्स जिन्होंने पहली बार उसको यूज़ किया होगा, बड़ा मुश्किल है कि देखो कहीं लिखो कहीं, तो बड़ा मुश्किल है काम। मगर वो सब कहीं ना कहीं टीचर मैनेज कर रहा है अपने लेवल पर, हर टीचर मेहनत कर रहा है और मैनेज कर रहा है। मगर आप देखिए कि मैं ये बात एक पेरेंट को कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, किसी भी क्लास में कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट, आप इस चीज को ध्यान रखो कि जब आपके बच्चे की क्लास हो रही है तो आपका बच्चा क्या उस क्लास में अपना वीडियो ऑन करके बैठा है। ये कहीं ना कहीं नोटिस करने वाली बात है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, महसूस किया होगा, या जो भी टीचर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया है, कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास स्टार्ट होती है और बच्चे आते हैं, एक एक करके आते हैं, और अगर म्यूट है, वीडियो ऑफ है, नाम दिख रहा है कि हाँ इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वो उस केस में कई बार क्या होता है कि देखिए ऑनलाइन पढ़ाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें अगर सामने वाला बच्चा दिख ही नहीं रहा, ना उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ना वो दिखाई दे रहा है। इवन अगर देखा जाए तो मेरे भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आवाज सुने सुने मुझे कई बार 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, कि अगर मैं उनसे पूछ लूं नाम लेके तो कुछ रिस्पॉन्स आता, नहीं तो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि टीचर के लिए एक खाली स्क्रीन को पढ़ाना कितना टिपिकल है, मुश्किल काम है। भाई सामने वाला, अगर मैं कहता हूं सामने अगर वीडियो ऑन है तो शायद टीचर को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सामने वाला बच्चा एक्सप्रेशन दे रहा है, हिलडुल रहा है, बातचीत कर रहा है। मगर कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि वीडियो ऑफ कर दिया, म्यूट कर दिया और कहीं आराम से टहलने गए, क्लास चल रही है, पेरेंट को धोखा दिया जा रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेरेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि जब क्लास, जो भी टाइम पे क्लास है आपकी, उसमें आपका बच्चा क्या प्रॉपर तरीके से बैठकर क्लास ले रहा है, क्या उसने अपना कैमरा ऑन कर रखा है,
क्योंकि देखिए ये पूरा जो एकेडमिक ईयर है 2020-21 ये तो पूरा ऑनलाइन जाना है, कुछ अभी चीजें इतनी नॉर्मल होती दिख ही रही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं खास तौर से जो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनके लिए तो ये बोर्ड ईयर है, उनके लिए 2020 दोबारा लौट के नहीं आएगा, उनको 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि टीचर इंटरेक्ट करे और बेटर तरीके से समझाए, तो आप उससे फेस टू फेस बातचीत करिए। अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं जो है वो टीचर को दिखता है कि सामने कोई बंदा बैठा है, कोई पर्सन बैठा है, वो मेरी बात सुन रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, देखिए इस ऑनलाइन क्लासेस में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, शार्प माइंड वाला बच्चा है, वो पढ़ ले रहा है। नुकसान किसका हो रहा है, जो मीडियोकर्स है, स्लो लर्नर्स है, उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि रीजन कई अगर आप देखें तो पिछले 12-13 सालों मैंने चीज को एनालाइज किया है कि जो स्लो लर्नर है या थोड़ा सा हल्के सीखता है चीजों को, उसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन रहती है कि मैं पूछूंगा नहीं पूछूंगा, पूछूंगा नहीं पूछूंगा, ऐसा रहता है। और ऑनलाइन क्लास में क्या है कि देखिए अगर टीचर सामने पढ़ा रहा होता, फेस टू फेस क्लास चल रही होती, तो कई बार चेहरे की रिएक्शन देख से पता लग जाता है भाई इसको समझ में नहीं आया, दोबारा बताते हैं। मगर आपने तो अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, आपने तो अपने आपको म्यूट कर रखा है, तो फिर टीचर कैसे नोटिस करे इस चीज को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि आपको मेरी आवाज आ भी रही। क्योंकि कई बार ये भी इशू होता है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, आवाज आ रही नहीं आ रही, ये भी इशू रहता है। तो कम से कम अगर आप अपने टीचर से इंटरैक्ट करेंगे, अगर आपका इंटरनेट इतना स्ट्रांग है, तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप अपने आप को म्यूट रखकर मगर वीडियो ऑन करके क्लास लें, और टीचर से भी कहें कि वो वीडियो ऑन करें। क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजी है कि अगर आप टीचर को सामने देख रहे हैं, टीचर आपको देख रहा है, तो आपको लग रहा है हाँ मुझे टीचर देख रहा है, टीचर लग रहा है नहीं मुझे स्टूडेंट देख रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों लथार्जिक नहीं होंगे, ऐसा नहीं आराम से लेटे बैठ के टाइप क्लास हो रही है, नहीं। और पेरेंट को मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि जब आपका बच्चा क्लास ले, घर में कोई भी हो, मतलब ग्रैंड पेरेंट हो, पेरेंट हो कोई भी हो, बड़ा भाई बहन हो, उस बात को ध्यान रखें कि बच्चा आपका बेड पर बैठ कर क्लास ना ले, बेड पे बैठ के क्लास ना ले। कोई चेयर होगी, कोई टेबल होगी, उस पर आराम से अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी उसको रखिए, चेयर पे बैठकर क्लास ले, सोफे पे भी बैठ के क्लास ले ले, मगर बेड पे बैठ के क्लास ले। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बेड बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी जगह है, आराम से पता लगा म्यूट तो है ही, वीडियो तो ऑफ है ही, टीचर को ना दिखाई दे रहा ना सुनाई, आराम से लेटे हुए टॉपिक सुन रहे, तो हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा आनंद आ रहा हो, बड़ा मजा आ रहा हो, चलो अरे वाह क्या बड़ी अच्छी ऑनलाइन क्लास है, नॉर्मल क्लासेस में लेटने को मिलता नहीं रहा, तो आराम से लेटे हुए, कुछ तो ऐसे भी साथ साथ में खाना भी खा रहे हैं। अरे भाई टीचर को बोल दो पांच मिनट बाद आगे कंटिन्यू कर लेगा, आप खाना खा लो उसके बाद पढ़ा लेगा वो, मगर अब ये दिख तो नहीं रहा ना टीचर को, उसको पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आपको इस बात को थोड़ा सा इस साल ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपका बच्चा 12th में है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 10th में है। देखिए बोर्ड एग्जाम तो होने ही अगले साल, तो अगर होने हैं तो कम से कम देखिए बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो ठीक है, मगर कम से कम घर बैठ के उसे ऐसा माहौल तो दें कि वो जो 1-2 घंटा उसकी क्लास है उसमें वो क्लास जैसा फील करे, टीचर से इंटरेक्शन है, फॉर्मल इंटरेक्शन है, ऐसा फील करे। कई बार आप देखें तो ये भी कंसर्न आता है कि मान लीजिए बच्चा एक रूम में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, ठीक है क्लास चल रही है, मगर क्या होता है कि घर का माहौल ऐसा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मगर क्या होता है कि कोई आया गया, बातचीत कर रहे हैं उससे, इन्वॉल्व है, ऐसा मत करिए भाई। मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल है कई सारे लोगों के लिए, क्योंकि घर में काफी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, कोई ना कोई आता जाता रहता, मगर बींग अ पेरेंट आप इस बात को कहीं ना कहीं श्योर करें कि उस दौरान जिस दौरान मेरे बच्चे की क्लास हो रही है, रूम में कोई एंटर ना करे। ये कोशिश तो कर सकते हैं, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन बच्चे के साथ फैमिली मेंबर ना करें, टीचर काफी है करने के लिए।
क्योंकि अगर हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे तो बच्चे का दिमाग डाइवर्ट होगा कुछ और जगह पर, आपकी बातचीत पर, आपके सजेशन पर, या जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो फिर वो टॉपिक छूट जाएगा जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर टीचर को तो कोई आइडिया है नहीं कि सामने कोई है कि नहीं है, तो इसीलिए अगर ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप जिनको इनको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि आपकी क्लास और ज्यादा इंटरैक्टिव होगी, आपका टीचर और ज्यादा एनर्जी से पढ़ाएगा। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे खुद भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं शायद कई महीनों से बात किया कि प्लीज वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, एक आध बार तो पेरेंट को फोन करके ही बोला, मगर कुछों को असर है, ऐसी बात नहीं है, और कुछों को असर नहीं है। तो मैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो शायद उस बैच को, उस क्लास को मैं ज्यादा एनर्जी से पढ़ा पाता हूं, ज्यादा एनर्जी से पढ़ाता हूं जहां पर बच्चों के चेहरे दिखते हैं। देखिए, हम टीचर्स के लिए ना बच्चे एक मोटिवेशन होते हैं, बच्चा दिख रहा है, बच्चे की स्माइल, बच्चे का जो रिएक्शन, ये मोटिवेशन का काम करता है। और जब आप किसी टॉपिक को समझाते हैं और बच्चे को समझ में आता है, तो उसके बाद जो उसकी छोटी सी स्माइल होती है, खुशी होती है, वो शायद हर टीचर के लिए बड़ा मोटिवेशन है। अब इस ऑनलाइन क्लासेस ने तो सब छीन लिया, तो कम से कम कुछ हद तक तो हम ये एफर्ट कर सकते हैं कि यार टीचर को हम क्लास का फील दिलाएं। और अच्छा, ये भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि ऐसा भी सुनने में आता है कि कई बार मान लीजिए वीडियो ऑन है या इस तरीके की, तो बच्चे कई बार क्लास को इंटरप्ट करते हैं, गाना बजा देते हैं, स्क्रीन पे कुछ लिख देते हैं, गलत सलत मैसेज भेज देते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि आप देखिए, वो टीचर जो एफर्ट कर रहा है, जिसने जिंदगी में कभी वो काम नहीं किया और वो आपके लिए कर रहा है, और आप उसको रिवर्ट में इस तरीके की एक्टिविटीज करके दिखा रहे हैं, तो क्या साबित कर रहे हैं आप कि मतलब हमें तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं पढ़ रहा तो बाकी जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ रहा है, शायद तो उनको ही पढ़ने दो। और उससे मुझे तो ये समझ नहीं आता, पिछले 13 सालों में समझ नहीं आया उससे हासिल क्या हो रहा है, उससे क्या मिल रहा है। मैं टीचर को परेशान करके, गाना बजाकर, गंदे संदे मैसेज भेजकर, फोटो भेजकर, मतलब क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये टीचर वैसे ही नया है, उसको वैसे वो सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता है। हो सकता है आप टीचर से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, मगर यार वो बेचारा मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, आपके लिए नोट्स बना रहा है, उसको क्या था, उठना था मार्कर या चौक उठा के लिखना शुरू कर देना चाहिए। अब वो आप देखो किस तरीके से लिख रहा है, और ऊपर से अगर इस तरीके की एक्टिविटी कोई बच्चा करता तो कहीं ना कहीं उस टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है, उसका मोरल डाउन होगा, वो और वो उतना फिर एनर्जी से अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, और नुकसान किसका, आपका, क्योंकि अगले साल तो उस टीचर की तनख्वाह 10%, 15%, 20% बढ़ जानी है, उसके लिए नया बैच होगा, नई जिंदगी होगी, नया मोटिवेशन होगा, मगर आप क्या कर रहे हैं, नुकसान तो आपका है। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप इन्वॉल्व में हैं या इस तरीके की एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो नुकसान आप टीचर का नहीं अपना कर रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि दो तीन स्टेप्स हैं, दो तीन चीजें हैं जिनको अगर आप कहीं ना कहीं माने ऑनलाइन क्लास के दौरान, तो शायद आपने जो पैसे दिए हैं, आपने जो फीस पे की है बच्चे की, उसका आप रिजल्ट ले पाए। क्योंकि और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला जो मैंने कहा कि कोशिश करें कि जिस दौरान क्लास हो रही है आपका बच्चा जो है वीडियो ऑन करके बैठे प्रॉपर। दूसरा कि आप कोशिश करें कि वो चेयर और टेबल में बैठे, बेड पे लेट कर बैठ कर क्लास ना हो। तीसरा, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वो कुछ खाए और पिए नहीं, पानी पी सकता है ठीक है, पर खाना खा रहा है टाइप, ये सब नहीं होना चाहिए। और चौथा कि कोशिश करें कि आपका जो बच्चा है वो जब क्लास ले रहा है तो फैमिली मेंबर्स का आना जाना रूम में ना लगा रहे, बातचीत ना लगी रहे। कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, गलती से बच्चा वो अनम्यूट हो गया, उसने कोई सवाल पूछा तो मम्मी पीछे चिल्ला रही हैं या अजीब अजीब से शोर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, मगर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान स्पेशली बच्चे का ही है, आपके बच्चे का ही है और हमारे बच्चे का है।
तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम इनको उठा लें, अगर हम इन चीज़ों पे काम कर लें, तो मुझे लगता है ये बच्चे के लिए भी अच्छा है और टीचर के लिए भी अच्छा है और पेरेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको क्या चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे से। तो ये कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्लास है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरे ये कुछ सजेशंस थे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो शायद और इंटरेक्टिव होगी और बेहतर होगी। तो अब मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक का के बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।